आज आपके बीच में आर्टिकल्स के ए पार्ट को क्लियर करने के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, दोस्तों पिछले वीडियो में आपने मेरा आर्टिकल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में आर्टिकल्स की डेफिनेशन, परिभाषा और आर्टिकल्स का प्रयोग वाक्य में संज्ञाओं से पूर्व ही किया जाता है, न कि सर्वनाम से पूर्व, और आर्टिकल्स को कितने भागों में बांटा गया है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, उसको डिस्कस किया है। और उसके साथ ही साथ मैंने पिछले अपने वीडियो में एन आर्टिकल्स को आपको बहुत ही सरलतम रूप में क्लियर किया था। आज अपन यहाँ प्रयास करेंगे ए आर्टिकल्स भी आपको एन की तरह क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में दा के बाद नन, चारों क्लियर होने के बाद आर्टिकल्स का कोई सा भी पर्सन पुटअप किया जाए, मैं समझता हूँ आपका कहीं पे भी रॉन्ग नहीं जाएगा वो, चाहे वो अकेडमिक क्लासे हो, सिक्स से अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जहाँ भी इंग्लिश चलती है, और या फिर कोई भी कम्पिटेटिव क्लास में हो, दोस्तों आप सबसे पहले आर्टिकल्स के क्वेश्चन को ही सोल्व करोगे। दोस्तों मैंने एन के वैसे आपको एक नियम बताया था, पर डिस्कर्स मैंने तीन नियम किए थे, अलग अलग ग्रामरों में, अलग अलग राइटरों ने, अलग अलग कोचिंग सेंटरों में एन के बहुत सारे नियम पढ़ाए जाते हैं, पर मैंने तीन नियम बता के एक बनाया, उसका समराइजेशन किया। यहाँ भी मैं डिस्कस तो आपके बीच में तीन नियमों को करेंगे करूँगा, लेकिन लास्ट में इसका समराइजेशन अपन एक रूल से में देखेंगे। तो आपको सर पहले एक को ही डिस्कर्स क्यों नहीं किया जाए, जब ये तीनों डिस्कर्स हो जाएंगे तो वो एक इजी वे में समझ में आ जाएगा। सरलता से कठिनता की तरफ चलने का प्रयास है दोस्तों अपना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं एन का जो पहला नियम था, स्वर से चालू होने वाली संज्ञाओं से पहले एन आता था, तो जस्ट उसका अपोजिट है ये, हर वो संज्ञा जो व्यंजन से प्रारंभ हो। अब अपन ने स्वर और व्यंजन की डेफिनेशन पिछले वीडियो में देखी थी, अंग्रेजी के जो 26 अल्फाबेट हैं उनमें से ए ई आई ओ यू स्वर है और बचे हुए 21 व्यंजन हैं। और हिंदी में अगर अपन इन्हीं स्वर व्यंजन को देखते हैं तो ऐसे लेकर अह तक ए आ ई ई ये सब स्वर आते हैं, स्वर में काउंट होते हैं, और कह खे गए जो आपके हैं व्यंजन में काउंट होते हैं। तो कोई भी संज्ञा जो व्यंजन से प्रारंभ हो और व्यंजन जैसा ही उच्चारण दे तो उससे पहले हम सदैव ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहूँगा कि अगर कोई संज्ञा स्वर से भी प्रारंभ होती है पर उसका उच्चारण व्यंजन जैसा हो जाता है तो वहाँ भी एक का प्रयोग करते हैं। ये अपने नेक्स्ट रूल्स में दोनों में सेकंड और थर्ड रूल अपना इसी चीज पे फोकस करेगा। अभी तो व्यंजन से चालू होने वाली प्रत्येक संज्ञा से पहले ए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब अपन इसको सिंगल लेते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए लेते हैं, वैसे इसको ए के रूप में देखते हैं, जब ये ज्वाइंट में आता है तो इसका उच्चारण दोस्तों ए से होता है एप्पल, और यहां जब भी सिंगल हो तो ए, ए मैन, ए बॉय, ए गर्ल, तो आई हैव ए ब्लैक डॉग। अब देखो दोस्तों ब्लैक आपका बी वैसे इंग्लिश का व्यंजन भी है, पर जब इसका अपन प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं तो देखो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन करने पर ब्लैक इसकी ध्वनि हिंदी के व्यंजन के समान आ रही है। ऐसे कैसे माय फादर इज अ डॉग, माय फादर इज अ डॉक्टर, डॉक्टर को अगर आप इंग्लिश में भी देखते हो तो ये डी इंग्लिश का व्यंजन है, 21 अक्षरों में आता है, और हिंदी के नजरिए से भी इसको अपन लेते हैं तो दोस्तों डॉक्टर हिंदी का भी व्यंजन है। इससे आगे अपना मेरा दूसरा रूल्स आपको बताऊं कि कुछ संज्ञाएं जो प्रारंभ तो ओ से होती है, ओ अपने आप में एक वोवल्स है दोस्तों, उन पांच में आता है ए ई आई ओ यू। अब ये वोवल्स है लेकिन जब इसको पढ़ते हैं परंतु इसकी ध्वनि जब हिंदी के व के समान निकले, जैसे ये एक एग्जांपल है नीचे, तो वो संज्ञाएं जो प्रारंभ तो ओ से हो परंतु उनकी ध्वनि हिंदी के व के समान हो तो सदैव उन संज्ञाओं से पूर्व हम ए का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आप, माई मदर गेव मी 100 रुपीज, मेरी माता जी ने मुझे 100 रुपये दिए, तो आपका ये वन है ओ से चालू है लेकिन इसको पढ़ने में हिंदी के व के समान जो अपने आप में व्यंजन है हिंदी का। अब ये ओ अपने आप में स्वर है लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन के समान है, तो इससे पहले ए आ रहा है दोस्तों। ये अपना जो एन का दूसरा नियम था कि कुछ संज्ञाएं जो प्रारंभ ऐसे होती है परंतु उनका उच्चारण ओ के समान होता है, एच अपने आप में एक व्यंजन है पर ओ स्वर है, तो वहां अपन ने देखा था कि ये एच व्यंजन होते हुए भी अपने से पहले एन आर्टिकल्स को यूज करवा रहा था।
ठीक वैसे ही ओ अपने आप में एक स्वर है, यहां अपन देखेंगे ओ अपने आप में एक स्वर है, परंतु अगर इसकी ध्वनि जहां पर भी व आती है तो वहां इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। आयसा मैंने देखा, सेकंड फॉर्म है सी सा सीन, वन आई मैन इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह एक आंख वाला व्यक्ति देखा, तो यहां भी अपन ए का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग वो ठीक उसी लिए क्यों ओ स्वर अपने आप में, लेकिन उसका उच्चारण व के समान आ रहा है। ये अपना दूसरा रूल नॉर्म्स है। तीसरे रूल्स पे अपन काम करें तो इसको थोड़ा समझने की, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी लगेगी कि एन के प्रयोग में तो मैंने ई व यू से पहले एन, ये स्वर है दोनों, ई भी अपने आप में स्वर है यू भी स्वर है इंग्लिश का, इससे पहले एन का प्रयोग करवाया था पिछले वीडियो में, जबकि मैं आपको यहां पर अभी ए का प्रयोग कराने जा रहा हूं। अब यहां कहां एन का प्रयोग करेंगे, कहां ए का प्रयोग करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देयर, यहां क्या अंतर है, ये मैं ये चीज को क्लियर करूंगा। प्लीज दोस्तों ध्यान से देखें, मित्रों जो संज्ञा प्रारंभ तो ई व यू से हो, परंतु जिनकी ध्वनि हिंदी के यू के समान हो, बोलने में बड़ा यू आए, तो उससे पूर्व भी आपको हमेशा ए आर्टिकल्स काम में लेना है। जैसे द रामायण इज यूजफुल बुक, नो डाउट, हिंदुओं की सबसे महाकाव्य, सबसे बड़ा सबसे अच्छा महाकाव्य है, जिसको तो घर में रखने से शांति पीस मिलती है। तो यूजफुल यू से चालू है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के यू के समान आ रहा है। अब यू अपने आप में वोवल्स है, स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन के समान होने के कारण ए का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ यूनिवर्सिटी देखो, अनिल इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी अपने आप में प्रारंभ यू से है, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके देखोगे, लिख के देखोगे, तो आपका यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन यू के समान आ रहा है, तो यहाँ भी ए होगा दोस्तों। तो इस डेट क्लियर, कहने का तात्पर्य यह है मेरा दोस्तों कि चाहे वो संज्ञा स्वर से प्रारंभ हो चाहे व्यंजन से, यहाँ लिखा है मैंने एक लाइन की कोटेशन अपनी, ये मोस्ट जो अपन तीन रूल से लास्ट में आके एक रिमार्क करते हैं कि ए का प्रयोग आप वहां आपको करना है कि प्रत्येक वो संज्ञा जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन, किसी भी चीज का एनालिसिस समराइजेशन लास्ट में अपन हिंदी के स्वर व्यंजन से करेंगे दोस्तों। अगर हिंदी के स्वर जैसा उच्चारण निकल के आए तो एन, और हिंदी के व्यंजन जैसा उच्चारण निकल के आए वो संज्ञा चाहे स्वर से प्रारंभ हो चाहे व्यंजन से प्रारंभ हो, पर पढ़ने में उसकी ध्वनि अगर हिंदी के व्यंजन के समान है तो ए काम में लेंगे। कुछ एग्जाम्पल से अपन इस बात को यहाँ पे देखते हैं। कपिल इज रिक्तिस्तान यंग इंडियन। अब यंग जब आप राइट करते हो, बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन करते हो, तो यंग में व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो नो डाउट हियर यूज ओनली और एंड ओनली ए। आयसा रिक्तिस्तान यूरोपियन यस्टरडे, यूरोपियन को आपका प्रोनाउंसिएशन जा रहा है यू, तो यहां पे अपन हिंदी के व्यंजन के समान प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से यू का प्रयोग करेंगे। अब आप यहां थोड़ा सा देखो कि आई है कि सर आप ये जानना चाहोगे कि कहां एन, क्योंकि यू ई अपने आप में एक स्वर भी है, तो एन क्यों नहीं आया। अब इस चीज को मैं, इस डाउट को आपका यहां क्लियर कर रहा हूं। ई व यू से चालू होने वाली हर वो संज्ञा जिसका उच्चारण अगर स्वर के समान है तो वहां एन वाला नियम काम करेगा। जैसे अम्ब्रेला, अब आपका अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर के समान है तो यहाँ ए नहीं लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, यूजफुल या ऐसा कोई व्यंजन निकल के नहीं आ रहा या इसका स्वर जैसा उच्चारण है तो एन। जैसे एलिफेंट, अब यूरोपियन जैसा उच्चारण नहीं है यू जैसा, एलिफेंट में स्वर जैसा उच्चारण आ रहा है तो यहाँ एन। तो एन और ए में अधिकतर स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि कहाँ एन, कभी तो सर एन का प्रयोग बता रहे हैं, कहाँ ए का प्रयोग बता रहे हैं। यू और ई से चालू होने वाली हर संज्ञा अगर स्वर जैसा उच्चारण देती है, मैंने स्वर लिखे हैं आप इनके बाकायदा नीचे, तो वहाँ एन का प्रयोग होगा, परंतु अगर उनका उच्चारण व्यंजन जैसा है तो कदापि अपन वहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर ए का प्रयोग करेंगे। मोस्टली एग्जामिनर बच्चों को ऐसे ही घुमाने वाले पर्सन देता है, पुटअप करता है और वहाँ जाके बच्चा गड़बड़ करता है। आई हैव ए वाइट कार, मैं एक सफ़ेद कार रखता हूँ, तो इसमें वाइट व्यंजन है, प्लीज़ गिव मी ए वन रुपी नोट, तो वन
व्यंजन जैसा उच्चारण होने के कारण ए आएगा इसमें। ही इज रिक्त स्थान गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, वह एक फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। मर्जी चाहे जितने उदाहरण लो, गुड भी आपका व्यंजन है तो इससे पहले ए आ रहा है। अपन 5-7 एग्जाम्पलों से इस बात को क्लियर कर रहे हैं, पर दुनिया भर के ग्रामरों में, दुनिया भर मेरे नोट्सों में भी 3-3, 5-5 एक्सरसाइज हैं, प्रत्येक चीज़ की दी हुई है। सब चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से कंप्यूटराइज लिखे हुए हैं। इंग्लिश के जितने भी टॉपिक अपन आगे चलते जाएंगे, मैथ्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के, मैथ्स के सूत्रों की तरह पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने और दिए हैं। हीरो, अपने आप में प्रोनाउंसिएशन इसका हीरो, हीरो को लिखते हैं अपन तो व्यंजन जैसा है इसलिए ए आएगा। एरोप्लेन का उच्चारण स्वर जैसा है इसलिए नो डाउट एन आएगा। एग का आपका स्वर जैसा उच्चारण है तो एन आ रहा है। बॉक्स ए, क्योंकि इससे इसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन जैसा है। यूनिक, आदित्य, अनुपम, जिसके समान दूसरा नहीं हो उससे पहले ए का आ रहा है प्रयोग, क्योंकि अम्ब्रेला अपने आप में स्वर है तो एन। एलिफेंट आपका देख ही रहे हो, ये ए जैसा उच्चारण है इसका तो एन। यूरोपियन, इसका उच्चारण यू जैसा है वही एन और ए के कॉन्ट्रोवर्सी नियम में से है दोनों लास्ट के उदाहरण। हॉस्पिटल, होटल, इन सबसे पहले ए ही आना है। और ऐसे अनंत एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे ए और एन की एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर होती है। यहाँ पर अपन ने ए एन पिछले वीडियो में देखा विद डेफिनेशन आर्टिकल्स की, और ए को यहाँ पूरा कर रहे हैं अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्सों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ए का ये जो आपको मेन नियम मैंने यहाँ मेन कोटेशन के रूप में, फॉर्मेट के रूप में दिया है, इन तीनों नियमों का एक समराइजेशन कि चाहे वो संज्ञा स्वर से प्रारंभ हो चाहे व्यंजन से, अगर उसकी ध्वनि हिंदी के व्यंजन के समान, लास्ट में कैलकुलेशन हिंदी के व्यंजन या स्वर से की जाती है। अगर हिंदी के स्वर जैसा उच्चारण है तो एन आता है, और हिंदी के व्यंजन जैसा, बारम्बार इस चीज पर मैं जोर दे के बता रहा हूँ आप लोगों को, हिंदी के व्यंजन जैसा उच्चारण है तो ए आएगा। कोई सा भी एक क्वेश्चन हो पुटअप किया जाए आपसे, ओनली और ओनली ये दो चीज़ लर्न करनी है आपको। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।